और लखीमपुर खीरी जिले के तराई में मौजूद इकलौता विश्वविख्यात दुधवा टाइगर रिजर्व इस वक्त वन्य जीवों की कब्रगाह बन चुका है। वन्य जीवों की खान कहे जाने वाले दुधवा में अब वन्य जीवों की ही संदिग्ध मौतें हो रही हैं और अब इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और उन्होंने जाँच के आदेश दे दिए हैं। तो वहीं वन विभाग के आला अधिकारियों पर वन्य जीव प्रेमियों में खासा आक्रोश दिखाई देने लगा है और वो लोग अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल या निशान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इस वक्त भारत में 54 टाइगर रिजर्व हैं, वहीं इस वक्त दुधवा टाइगर रिजर्व में लगातार बाघ और तेंदुओं की संदिग्ध रूप से मौतें हो रही हैं, जिससे पार्क प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। फिलहाल बाघों की मौत होना चिंता का विषय बनता साफ रूप से दिखाई दे रहा है। इस बात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा संज्ञान लेने के बाद अब वन विभाग के अधिकारियों को जाँच के आदेश दिए गए हैं और तत्काल ही जांच कर रिपोर्ट भी मांगी गई है। फिलहाल वन मंत्री अरुण सक्सेना और मुख्य सचिव दुधवा पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। जो सब मिला उसकी पोस्टमार्टम हुआ है, उसकी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है, सिर्फ उन्होंने ओरली बतला दिया है और उससे महसूस होता है कि उसके किसी दूसरे टाइगर से या किसी और एनिमल से फाइटिंग हुई और उसके हेड पे इंजरी थी, उसके अलावा उसके पैरों पे भी थोड़ी इंजरी की वजह से हिमटोमा था और उसके पेट में कुछ नहीं था, उसके कीड़े बहुत पड़े हुए थे। ये उम्मीद की जाती है कि शायद 3-4 दिन पहले उसकी डेथ हुई और उसके बाद उसके कीड़े मक्खी से जो पड़ते हैं वो उसके पड़ गए। कोई लापरवाही ऐसी नहीं आई है जो हम अभी तक बताएं, फिर भी हम इसकी पूरी जांच करेंगे और ज़रा भी अगर कोई ऐसी बात होगी लापरवाही वाली तो उस पर तुरंत एक्शन होगा। मैं इस बात को ख़ास तौर से देखूंगा, कहीं कोई लापरवाही तो नहीं है, अगर लापरवाही है तो उस पर तुरंत एक्शन होगा। देखिए, जंगल के अंदर पानी की कोई कमी नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है एनिमल को जिस तरह का बीमार हो जाता है जो पानी पास में है लेकिन पानी पी नहीं पाता है तो अंदर पेट में नहीं होगा पानी। देखिए, हरे पेड़ों का जो कटान है आप मुझे बताइए कहाँ का कटान है, मैं कल ही जाके देखूँ। लखीमपुर खीरी में वन्य जीवों की खान कहा जाने वाला तराई में मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व अब वन्य जीवों की कब्रगाह बनता जा रहा है। दरअसल बीते 45 दिनों में 2 बाघ, 1 बाघिन और 1 तेंदुए की मौत के बाद जहां पार्क प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठते दिखाई दे रहे थे, तो वहीं अहले सुबह एक बार फिर मैलानी वन रेंज में 1 बाघ का शव पड़ा होने से पार्क प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं बाघ की संदिग्ध मौत के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और तत्काल ही वन मंत्री और मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वह लखीमपुर पहुंचकर जल्द ही बाघों की मौत के सिलसिले की घटना का खुलासा कर जल्द ही जांच प्रेषित करें। दरअसल इस वक्त लगातार बाघों की मौतों का सिलसिला दुधवा टाइगर रिजर्व में जारी है, जिससे जहां पार्क प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठता दिखाई दे रहा है तो वहीं वन्य जीव प्रेमियों में भी वन विभाग के खिलाफ काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है। फिलहाल जिस तरीके से बाघों की संदिग्ध रूप से मौतें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं वन विभाग की लापरवाही नजर आ रही है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद जो जांच प्रेषित की जाएगी, आखिर कैसे किस तरीके से बाघों की मौत पर शिकंजा कस सकेगा और इन बाघों की मौतों का सिलसिला थम सकेगा, यह देखने वाली बात होगी। फारूक हुसैन, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में वन्य जीवों की खान